कोर्ट्स के तरफ से एक नोटोरियस हाउस बर्गलर जिसका नाम मोहम्मद सलीम एलियस सुनील सेट्टी है, उसकी गिरफ्तारी हुई। और ये मोहम्मद सलीम हैबिचुअल क्रिमिनल, हैदराबाद राजकोंडा में ज्यादा क्राइम किया है, साइबराबाद के भी कुछ केसेस में इसका सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक टोटल 18 लाख वर्थ गोल्ड एंड सिल्वर आइटम्स का रिकवरी हुआ। यह रहने वाला नवाब शाह कुंटा फलकनुमा का है और लगभग 46 इयर्स एज है, पेंटर का काम करता है बाहर। और अभी तक जितने पुलिस स्टेशन में इसका नाम है उसमें ज्यादातर चंद्रायन गुट्टा, छतरी नाका, फलकनुमा, पहाड़ी शरीफ और बालापुर जितने पुलिस स्टेशन में है, रफली 160 केसेस में इसका इन्वॉल्वमेंट अभी तक है, हैदराबाद राजकोंडा और साइबराबाद एरिया में। 1991 से ये क्राइम फील्ड में है और इसके बारे में एक क्रिमिनल डॉशियर सीट भी है फलकनुमा पुलिस स्टेशन में। 2018 में पीडी एक्ट में ये जेल के अंदर गया और बाहर आने के बाद फिर ये अपना एक्टिविटीज, क्रिमिनल एक्टिविटी शुरू किया। ये पहले सर्वे करता है एरिया में, खास करके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एरिया में, और उसके बाद चांस मिलने पर रात के वक्त या दिन के वक्त भी ये हाउस ब्रेक करके चोरी करता है। इसमें हमारे इस टास्क फोर्स का जो ऑपरेशन हुआ उसमें चक्रवर्ती गुमी डीसीपी टास्क फोर्स और उनके लीडरशिप में एस राघवेंद्र इंस्पेक्टर ऑफिसर, के चंद्रमोहन, बी नरेंद्र, श्री साइलम थकीउद्दीन और साउथ जोन टास्क फोर्स के सभी ऑफिसर और चंद्रायन गुट्टा के ऑफिसर मिलकर ये बहुत अच्छा काम किए, जिनके लिए हमारे तरफ से उनको मुबारकबाद।